हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं कॉन्टैक्ट 5BST के बारे में। कॉन्टैक्ट 5BST क्या होता है, इसके जो इंडियन टोन होते हैं कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि कॉन्टैक्ट 5BST से हम करते क्या हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों इससे आप एक नया म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट 5BST है और इसके इंडियन आपके पास अगर लाइब्रेरी है, तो आप इसको ऐड करके यहाँ पर देख सकते हैं, ऐड करके आप अपना म्यूजिक तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास टॉस्किम का एक लाइब्रेरी पड़ा हुआ है। अगर हम इस पे ओपन करते हैं, इसको खोलते हैं, तो दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रेसेट मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों पियानो है, आर्गन है, एकॉर्डियन है, ट्रम्पेट है, और फ्लूट है, स्ट्रिंग है, और लीड्स भी आपको मिल जाता है। अभी मैं आपको इनका टोन को भी आपको सुनाऊँगा, और आप सुनेंगे तो काफ़ी अच्छे टोन आपको लगेंगे। तो इसकी मदद से आप एक नया म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हारमोनियम का पूरा एक लाइब्रेरी पड़ा हुआ है। लगभग 15-20 भी आपको इसमें अलग अलग टाइप के हारमोनियम मिलेंगे। यहाँ पे फ्लूट है, फ्लूट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और दोस्तों बेंजो भी मिलेगा आपको। और इसके साथ साथ में दोस्तों और भी जो बहुत सारे टोन होते हैं, लीड्स हैं, एकॉर्डियन है, ट्रम्पेट है, स्ट्रिंग्स हैं, ये सब कुछ आप यहाँ से म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैं भी एक एक करके आपको इसके टोन को सुनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुनाने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों ये था एकॉर्डियन, और उसके साथ में बहुत तरह के यहाँ पे टोन दिए हुए हैं इस लाइब्रेरी में टॉस्किम के। जिनसे आप एक अच्छा खासा म्यूजिक बना सकते हैं। तो एकॉर्डियन है, ट्रम्पेट है, फ्लूट भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो सभी के टोन को मैं आपको सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें सभी तरह के आपको टोन मिलेंगे, जिससे आप एक अलग टाइप का म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिदम के साथ भी आप सुन लीजिए इसको। तो दोस्तों मैंने ऐसे ही प्ले करके आपको सुना दिया हूँ। मुझे म्यूजिक कंपोज करना नहीं आता है, यानी कि म्यूजिक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है हमें। अलग अलग टाइप के टोन यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। अभी हम आपको और भी टोन के बारे में यहाँ पे बताने वाले हैं और सुनाने वाले तो चले इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है। और इसके बाद में हम आपको सुनाने वाले हैं हारमोनियम। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हारमोनियम का लाइब्रेरी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और बहुत तरह का यहाँ पे प्रेसेट है। अलग अलग टाइप के टोन हारमोनियम के मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे और भी एक लाइब्रेरी पड़ा हुआ है,
केसियो के नाम से, इसमें केसियो का जितना भी टोन होता है ये सब आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अब आप लोगों को पता हो गया होगा कॉन्ट्रैक्ट 5 BST क्या होता है, इसको आप किस लिए यूज कर सकते हैं।